हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हां दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है और वो गुड न्यूज़ ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने मोबाइल में सस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, किसी भी कैटेगरी की। और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सस्पेक्ट लिस्ट डाउनलोड करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया है और आप सस्पेक्ट लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो रेड आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को दबा लिए, उससे फायदा ये होगा नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि अभी तक आपने यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखी होगी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से सस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से डाउनलोड करें। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, लिस्ट डाउनलोड करके दिखाऊंगा विद कैटेगरी, यानी कि चाहे वो माइनॉरिटी की हो, OBC की हो, या फिर जनरल कैटेगरी की, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट की हो, यानी कि अलीगढ़, आजमगढ़, मेरठ, बिजनौर, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग अपना PFMS का पैसा कहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो आपको सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका जो लिंक है वो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। उसके बाद आपको यहां पे सिंपली यूपी स्कॉलरशिप करेक्शन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आपको सिंपली नीचे आना है। यहां पे आप लोग 5 से 6 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पे आप लोग सिंपली चेक स्टेटस ऑन उमंग PFMS का जो क्लिक हियर लिखा है, सिंपली इस पर क्लिक करके आप लोग अपना PFMS का स्टेटस चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग में है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से सस्पेक्ट लिस्ट किस तरह से डाउनलोड करनी है। सो गाइज, सस्पेक्ट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम डालना है, यानी कि जो भी आपका ज़िला है वो आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाउनलोड करने वाला हूँ आजमगढ़ का, तो यहाँ पे सिंपली हम AZAM डाल देते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आजमगढ़ डालेंगे उसके आगे आपको लिखना है .nic.in। ठीक है, ये आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आपको सिंपली azamgarh.nic.in पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप आजमगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार की। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, आपको यहाँ से सबसे पहले डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पे हम सिंपली डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा नोटिस का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शंस और आएंगे, आपको यहाँ पे सिंपली अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनाउंसमेंट के नीचे टाइटल लिखा हुआ है स्कॉलरशिप सस्पेक्ट डेटा ऑफ इंटरमीडिएट एंड अदर एंटर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ से आप लोग सस्पेक्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट डेट है 1 जनवरी 2022 और एंड डेट दे रहा है 31 जनवरी 2022 और यहाँ पे नीचे है आपका फाइल व्यू 3 MB। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो डेटा है वो आपको सिंपली व्यू 3 MB पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे जो आपकी PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारी जो PDF फाइल है डाउनलोड हो चुकी है और यहाँ पे देखिए आ चुका है OBC कैटेगरी का डेटा। ठीक है, ये फाइल लगभग इसमें 588 पेजेस हैं और लगभग यहाँ पे कुछ नहीं तो लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स की लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखिए टोटल जो स्टूडेंट्स हैं लगभग 7 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ OBC की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको माइनॉरिटी की डाउनलोड करनी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्कॉलरशिप सस्पेक्टेड डेटा माइनॉरिटी ऑफ अदर देन इंटर और यहाँ पे फाइल लिखी हुई है व्यू 4 MB, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे हमने सिंपली से डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे देखिए माइनॉरिटी कैटेगरी की जो लिस्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग सभी कैटेगरी की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो या OBC। ठीक है, और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सिंपली आप उसे डालिए, उसके आगे .nic डाल दिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट ने लिस्ट अपलोड की होगी तो वहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जो लेटेस्ट लिस्ट है 2022 की वो डाउनलोड होकर मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो कर लिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। मगर आई थिंक आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी होगी कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिस्ट किस तरह से डाउनलोड
डाउनलोड करनी है। सबसे पहले वीडियो ये मैंने ही आपको अपडेट दिए और प्रीवियस ईयर भी मैंने ही आपको अपडेट दी थी। सो गाइज, आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, पता चल गया होगा कि किस तरह से लिस्ट डाउनलोड करनी है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।